करनाल में लूट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। हाईवे पर लुटेरों ने दो लूट की वारदातों को अंजाम दिया और बुजुर्गों को भी अपना निशाना बनाने से परहेज नहीं किया। लुटेरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। करनाल शहर में कुछ ज्यादा ही मामले अब सामने आने लगे हैं, लेकिन पुलिस अनजान है। लगातार लुटेरे शहर में किसी को लूटकर फरार हो जाते हैं और पुलिस को पता तक नहीं चलता। लुटेरे मस्त, पुलिस पस्त, कुछ ऐसी हालत करनाल की इस वक्त है। करनाल में नेशनल हाईवे पर तीन लुटेरों ने शाम को एक घर की तरफ सैर करके जा रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट करके नकदी लेकर फरार हो गए। इसको लुटेरे को इससे पूछताछ करेंगे, ऐसे अलग रजे से नशे में दूत है और इनको बोले भी दरखास्त दे, इसकी कार्रवाई करेंगे अभी। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही एक और ऐसी घटना भी सामने आई, जहां हाईवे पर किसी के इंतजार में एक बुजुर्ग गाड़ी से आता है तो वहीं तीनों लुटेरे मारपीट करना शुरू कर देते हैं, कैश और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जी मेरे को तीन जने आ रहे थे, बाजे चले हुए, एकदम भाग के मेरे को घेरा नीचे। सारी तलाशी तलूसी, पैसे 500-700 रुपए थे मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस था। तू क्या गाड़ी रोके तो ये अंकल घबरा गया और भागा। पूरी हाईवे पे दूसरे हाईवे पार भाग रहा था, बहुत तेज भागा। हम गाड़ी वेट कर रहे थे किसी की, तो ये तीन बंदे आए अंकल की गाड़ी को और अंकल पुलिस ने एक लुटेरे को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी दो लुटेरे मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। इससे पहले भी हाईवे पर तेज धार हथियार दिखाकर लुटेरे लूट करके फरार हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस लुटेरे की मदद से इसके बाकी साथियों तक कब तक पहुंचा जाता है।